थ्री सॉल्यूशंस प्रिंटिंग व्हाइट लाइन प्रॉब्लम फिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पहले तो क्या कर लेते हैं, यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ कंट्रोल पैनल, उसमें से यहाँ पर प्रिंटर्स, व्यू प्रिंटर्स पे यहाँ पर प्रिंटर एट क्लिक, यहाँ पर प्रेफरेंस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेंटेनेंस, तो हेड क्लीन कर लीजिए, स्टार्ट कर लेते हैं हेड क्लीनिंग। यहाँ पर मुझे हेड क्लीनिंग इसलिए नहीं हो रही कि मैंने कहें कि हेड नहीं किया हुआ प्रिंटर, यहाँ पर आप हेड क्लीनिंग करके ओके कर लीजिए, आपका प्रॉब्लम हल हो जाएगा। अगर नहीं होता तो दूसरा तरीका, प्रिंटिंग दे रहा है उसके बाद भी अगर आपके हेड में प्रॉब्लम है तो आप एक ट्रिक के साथ अपनी प्रिंट निकाल सकते हैं, उसमें लाइंस वाइट लाइंस नहीं आएंगी। आपको क्या करना है, यहाँ पर पेज है, यहाँ पर मैं रेंट कमांड लगाकर ओपन कर लेता हूँ और कंट्रोल पी कीजिए, यहाँ पर प्रिंट पे चला जाता हूँ ऑफिस बटन में। उसके बाद यहाँ पर प्रिंट पर आ चुके हैं, प्रिंट प्रिंट के बाद यहाँ पर प्रेफरेंस, उसके बाद यहाँ पर आपको हाई क्वालिटी पे क्लिक कर देना है, उसके बाद ओके कीजिए। ओके करने के बाद प्रिंट दीजिए, यहाँ से आपकी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। अगर आपके हेड में मसला है फिर भी आपकी प्रिंट अच्छी क्वालिटी में निकल जाएगी। अगर फिर भी मसला हल नहीं होता तो थर्ड सॉल्यूशन है आपके प्रिंटर में, यहाँ पर आपको अपना प्रिंटर ओपन कर लेना है, पहले जैक निकाल लीजिए। निकालने के बाद यहाँ पर इसे थोड़ा सा स्कैनर को ओपन करने ऊपर करने के बाद यहाँ से आप थोड़ा सा इसे नीचे के यहाँ से आप इसका ऊपर करने के बाद जो स्कैनर है, एक बटन होता है यहाँ पर नट होता है, उसे भी ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद अच्छी तरह से आपका ये बॉक्स जो ये मैं निकाल रहा हूँ पावर केबल्स जो इसके हैं स्कैनर की, ये निकाल दीजिए और ये साइड वाला ढकना आप हटा दीजिए। और ये आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी ये ग्रिड जो है वाइट वाली, इसमें मस जम जाती है, इंक जम जाती है, तो स्याही जो है यहाँ पर जम जाती है। उस स्याही को आप कैसे हटाएंगे, आपको एक टिशू ले लेना है, यहाँ पर रोलर घुमाने के बाद या तो ये अपनी जगह से हट जाती है, ये भी प्रॉब्लम आती है, तो आती ही नहीं है। उसके बाद आपको टिशू लेना है, थोड़ा सा पानी लगा लें। पानी लगाने के बाद आपको यहाँ पर इस गराड़ी के ऊपर रखने के बाद अपनी इंक को अच्छी तरह से रोलर को घुमाते जाएं, दूसरी गराड़ी को घुमाएं और स्याही अच्छी तरह से साफ़ कर लें। ज़्यादा जोर नहीं देना इसको, गराड़ी टूट भी सकती है, अच्छी तरह से साफ़ कर लें। आप देख सकते हैं कि कितनी इंक लगी हुई थी इसमें। ये इंक साफ करने के बाद अच्छी तरह से आप दूसरी साइड भी यूज़ कर सकते हैं टिशू की, अच्छी तरह से क्लियर कर लें। इतना भी जोर नहीं लगाना कि ये गराड़ी निकल जाए और अलग हो जाए। अगर हो जाती है तो कोई मसला नहीं है, आप इसे फिर से लगा सकते हैं, कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्फिडेंशली आप काम करें अपना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता इसमें। तो इसे अच्छी तरह से घुमा कर गराड़ी को मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लेता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से अपना ढकना वहाँ पर लगा देना है। लगाने के बाद यहाँ पर अपना आप जो पेच है वो आप वहाँ पर बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद अच्छी तरह से सेटिंग आप अपनी सही तरह से रख लें और ये जो आपने जहाँ से अपने पावर केबल्स निकाली थी वहीं लगा दें। लगाने के बाद शटर को बंद कर दें, जो आपका स्कैनर है ऊपर का ऊपर वाला, उसे अच्छी तरह से बंद कीजिए। बंद करने के बाद अपने आप पावर केबल और जो प्रिंटर केबल है दोनों अच्छी तरह से इन कर लें। प्लग इन करने के बाद प्रिंटर ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर प्रिंटर वाला जो शटर होता है नीचे वाला वो निकाल लीजिए और पेपर इंटर कर लेते हैं। इंटर करने के बाद अब प्रिंट दे देते हैं। प्रिंट देने के बाद यहाँ पर प्रिंट निकल आ रही है और यहाँ पर ये काम जो हमारा था लाइनिंग वाला, ये मसला हल हो चुका है। उम्मीद है ये आपको वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल लगी होगी, और आप चाहते हैं कि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इस तरह की जो भी नॉलेजेबल वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वस्सलाम।